हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। सो आज के दोपहर के 12 बजे के आसपास ये जो आईपीएल का जो फाइनल का टिकट है ये लाइव हो गया था। सो उसी टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम में भी अपडेट दे दिया था स्टोरी टाइम में। सो जितने भी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने बुक भी कर लिया और यूट्यूब पर जो कम्युनिटी पोस्ट है वो भी मैंने डाल दिया था। सो इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर रखी है, सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टिकट को, आईपीएल का जो फाइनल का टिकट है, इसको आप किस तरीके से बुक कर पाएंगे। अगर बुकिंग नहीं हो रहा है, पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, सो इसका भी सॉल्यूशन क्या है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो किस लिए ये चीज़ हो रहा है, सो वीडियो का अंत तक जरूर से देखते रहिए, सारा चीज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो ये बात करते हैं किस तरीके से जो टिकट आप बुक कर पाएंगे। सो जैसे कि आप सभी को पता है, बुक माई शो से टिकट बुक होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सीधा उसके ऊपर क्लिक करके आप टिकट का जो सेक्शन है इसके ऊपर आ सकते हो, या तो आप डायरेक्टली बुक माई शो को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाटा आईपीएल के ऊपर क्लिक करना है, सीधा आप जाइए यहाँ पर प्ले ऑफ्स के ऊपर। सो प्ले ऑफ्स के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फाइनल जो टिकट है ये अवेलेबल मिल जाएगा। सो 800 से जो प्राइस है स्टार्ट हो रहा है। सो अलग अलग प्राइस कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 800 से भी बहुत ही ज़्यादा प्राइस कैटेगरी का टिकट है। सो सिंपली इसको बुक करने के लिए बुक के ऊपर क्लिक करेंगे। सो उसके बाद आपको यहाँ पर क्वांटिटी चूज करना पड़ेगा। सो जैसे आप क्वांटिटी चूज कर लेंगे, सो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको प्राइस कैटेगरी चूज करने के लिए दिया जाएगा। सो प्राइस कैटेगरी आप सिंपली यहाँ से चूज कर लीजिए, जो भी प्राइस कैटेगरी का आप टिकट बुक करना चाहते हो। सो प्राइस कैटेगरी चूज करने के बाद आपको स्टेडियम में एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर सीट अपना खुद से बुक कर पाओगे। सो सीट को चूज कर लेने के बाद आप बुक के ऊपर जाएंगे। सो जैसे बुक के ऊपर जाएंगे आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डालने के लिए बोला जाएगा। अगर आपके पिन कोड में होम डिलीवरी अवेलेबल है तो फिर आप घर में मंगा सकते हो, या तो आपको यहाँ पर पिन कोड नहीं लेगा तो ऑटोमेटिकली पिकअप फ्रॉम बॉक्स ऑफिस हो जाएगा। सो आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपका जो बॉक्स ऑफिस का एड्रेस है वो आपको मेल या एसएमएस के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा टिकट को कलेक्ट करने से पहले ही। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका एसएमएस या ईमेल कोई भी एक चीज़ आपको ज़रूर आ जाएगा। सो उसके बाद आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। सो जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपको सबसे पहले यहाँ पर ईमेल आईडी को अपडेट करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर। ये चीज़ करने के बाद उसके बाद ये जो पेमेंट सेक्शन आ गया है, यहाँ पर आपको जब भी आप पेमेंट करने जाओगे, काफ़ी लोगों को ये जो पेमेंट है ये फेल्ड हो जा रहा है। सो ऐसा फेल्ड होने का कारण सिर्फ एक ही है, आज का जो टिकट लाइव हुआ है वो सिर्फ रुपे कार्ड जिन लोगों के पास है उन लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली है। सारा टिकट शायद से अवेलेबल नहीं हुआ है, सो कुछ टिकट ही अवेलेबल हुआ है, और ये जो टिकट है सिर्फ जिन लोगों के पास रुपे कार्ड है उन लोग ये पहले एक्सेस कर सकते हो। सो अगर पेमेंट करने में जाओगे तो फिर आपको पेमेंट है आपको रुपे कार्ड से ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपका जो टिकट बुकिंग है कन्फर्म हो जाएगा। सो अगर आप किसी और भी UPI, नेट बैंकिंग, कोई भी अदर डेबिट कार्ड की मदद से अगर आप पेमेंट कर गए तो फिर आपका जो पेमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। सो इसीलिए जो प्रॉब्लम है आपको आ रहा है, बट कल के दोपहर के 12 बजे के बाद से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। 12 बजे के बाद से सभी लोगों के लिए ये जो टिकट है अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी पेमेंट मेथड की मदद से जो टिकट है वो बुक कर सकता है। सो गाइस, आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी शेयर करिए।